स्वराज 744 तथा 855। दिस वीडियो हैज बीन एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, स्वराज डिवीजन एंड इट्स बिजनेस एसोसिएट्स। लेट्स डिलाइट द कस्टमर टुगेदर। स्मार्ट प्रोग्राम, स्वराज मेंटेनेंस एंड रिपेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। We have used new 12+3 gearbox components in this video for better visibility and explanation. ट्वेल्व प्लस 3 gearbox overhauling. नमस्कार दोस्तों, स्वराज के मेंटेनेंस तथा रिपेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्वराज 744 तथा 855 ट्रैक्टर के 12+3 गियरबॉक्स को ओवरहॉल करने का सही तरीका दिखाएंगे। यह गियरबॉक्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। सामने वाला स्पीड गियरबॉक्स कहलाता है तथा पीछे का रेंज असेंबली। स्पीड गियरबॉक्स में 4 फॉरवर्ड गियर तथा 1 रिवर्स गियर होता है। इनके रेंज में पहले केवल हाई तथा लो गियर की ही व्यवस्था थी। इस वीडियो में हम दर्शाएंगे किस प्रकार नया रेंज गियरबॉक्स लगाने पर लो, मीडियम तथा हाई गियर की व्यवस्था की गई है। रेंज गियरबॉक्स को ओवरहॉल करने की जरूरत इन परिस्थितियों में पड़ सकती है। असामान्य आवाज आ रही हो, कुछ टूट गया हो, तेल लीक कर रहा हो, गियर स्लिप कर रहा हो इत्यादि। सबसे पहले ट्रांसमिशन असेंबली का ड्रेन प्लग खोलें और एक साफ ट्रे में तेल को निकाल लें। गियर बॉक्स को ट्रैक्टर से अलग करें और स्टैंड पर माउंट कर लें। रेंज असेंबली डिसमेंटलिंग। अब हम रेंज असेंबली खोलेंगे। सबसे पहले रेंज असेंबली को स्पीड हाउसिंग से अलग करेंगे। इसे अलग करने के लिए फोर्क लॉकिंग बोल्ट का वायर लॉक खोलें। बोल्ट खोलें। शिफ्टर रॉड को आगे की ओर खिसकाएं और फोर्क को बाहर निकाल लें। पीटीओ कनेक्टिंग शाफ्ट से सरक्लिप खोलें। रेंज हाउसिंग के माउंटिंग नट खोलें। रेंज हाउसिंग को स्पीड हाउसिंग से अलग करें।
यह स्पीड हाउसिंग में लगी हुई पीटीओ कनेक्टिंग शाफ्ट है। यह इंटरमीडिएट शाफ्ट है। रेंज आउटपुट शाफ्ट डिसमेंटलिंग। होल्डिंग प्लेट के माउंटिंग बोल्ट खोलें। होल्डिंग प्लेट को अलग करें। रेंज आउटपुट शाफ्ट से स्नैप रिंग खोलें। रेंज आउटपुट शाफ्ट को आगे से ठोकें और बेयरिंग वाला हिस्सा हाउसिंग से बाहर निकाल लें। अब स्लाइडिंग गियर बाहर निकालें। स्प्लाइंड स्लीव निकालें। ग्रेडेड स्पेसर निकालें। लो गियर तथा लो स्प्लाइंड स्लीव निकालें। बुश निकालें। स्पेसर निकालें। अब रेंज आउटपुट शाफ्ट बाहर निकाल लें। रेंज आउटपुट शाफ्ट से स्नैप रिंग खोलें। पुलर की मदद से रेंज आउटपुट शाफ्ट से बेयरिंग निकालें। हॉलो शाफ्ट डिसमेंटलिंग। स्पेसर निकालें। नीडल बेयरिंग निकालें। सरक्लिप निकालें।
CRPTO ड्राइवर गियर निकालें। हॉलो शाफ्ट को कॉपर हैमर से ठोकें और रेंज हाउसिंग से बाहर निकालें। रेंज हाउसिंग से सरक्लिप खोलें। अब हम हॉलो शाफ्ट खोलेंगे। सबसे पहले पुलर की मदद से बॉल बेरिंग निकालें। रेंज CM गियर निकालें। थ्रेडेड स्लीव निकालें। मीडियम गियर निकालें। स्पेसर निकालें। पुलर की मदद से दूसरी तरफ का बॉल बेरिंग निकालें। सर क्लिप निकालें। खराब पाए जाने पर इस नीडल बेरिंग को बाहर निकालें। रेंज गियर बॉक्स अब पूरी तरह खुल गया है। अब हम इसके सभी पुर्जों को डीजल में अच्छी तरह साफ करेंगे।